खरगोन में प्रकाश स्मृति सेवा संस्थान के नाम से संचालित संस्था ने जीवन आश्रय, कुटुंब आश्रय, बीमा और पेंशन योजना के तहत हजारों सदस्य बनाए और पैसों की हेरा फेरी करके संस्था के पैसों को अन्य फर्म में डालकर संस्था को घाटे में लाकर सभी सदस्यों को योजना से वंचित कर दिया, जिसके विरोध में उचित कार्यवाही के नाम पर सदस्य पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उचित कार्यवाही की मांग की। बताया जा रहा है कि संस्था के कथित लोगों ने संस्था के पैसों को तंजीम ए जरखेज नाम की फर्म में इन्वेस्ट किया और अब नाम बदलकर पीसी फाउंडेशन करके नगर से समीप डाबरिया गांव में जमीन खरीदी और अब उसे बेचकर पैसों की बंदरबांट की जा रही है और संस्था को घाटे में बताकर सदस्यों को सभी योजनाओं से वंचित कर दिया। इस दौरान मामले की जांच करके उचित कार्यवाही की मांग लेकर सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कुटुंब योजना के हम सदस्य बने थे आज के 20 साल पहले, तो वहाँ पे अभी गड़बड़ियाँ चल रही, तो खातों की हम जानकारी लेने गए थे, तो मैंने खाते की जानकारी मांगी तो उसमें खाते में 17,175 रुपये उन्होंने माइनस बताए। तो मैंने पूछा ये कहाँ के पैसे हैं जो आप निकाल रहे हो हमारे ऊपर, तो बोले कि संस्था के जो सदस्य है 992 सदस्य की मौत हुई है, उनको हमने 1,00,000 रुपए दिए, तो हर सदस्य से 5,000 रुपए काट के ना उनको दिए हैं, इस बाबा दिए पैसा काटा है आपका। तो मैंने कहा इसकी सूचना देना चाहिए थी, हमें तो कोई सूचना मिली ही नहीं। कि बोले बहुत सारे सदस्य सूचना देते हैं, गांव के भी सदस्य हैं। तो मैंने कहा हम तो खरगोन के हैं, प्रॉपर के हैं, शुरू से ही खरगोन में रह रहे हैं, हमको देना चाहिए थे उसकी जानकारी। तो बोले कि दी भी होगी, कहीं मिस हो गई होगी, ऐसा करके टाला। तो मैंने कहा वो जो 992 लोग मृत हुए हैं उनकी सूची दो मेरे को। तो बोले उसके लिए आवेदन देना पड़ेगा आपको। तो वैसे 2-3 आदमी हम साथ में थे, मैंने आवेदन दिया मेरे नाम से और सूची मांगी, तो बोले 27 तारीख को आना, आज की डेट दी मतलब। तो 27 तारीख को वहाँ बोला था आने का, तो लिस्ट आपको मिल जाएगी। किस खाते में से राशि काटी उन्होंने? उन्होंने हमारे मतलब जो सदस्य का जो खाता बना है, मेन सदस्य शुल्क में से काटा, शुल्क में से काटा है, सदस्य शुल्क में से। क्या मांग करी आपने? मैंने पेंशन योजना की मांग की, हमने तो खाता इसलिए खोला था कि हमको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। तो बोले कि वो तो हमारी मीटिंग हुई और हमने कैंसिल कर दी। तो इनका आपने डायट कैसे कैंसिल कर दी? इस संबंध आपको सूचना दी थी क्या? नहीं, सूचना कोई आज तक किसी प्रकार की सूचना नहीं मिली। क्या नाम है आपका? बलिराम यादव है, MPB में खरगोन लाइन इंस्पेक्टर के पद पर हूँ मैं। आश्रय योजना के नाम से संचालित की जा रही थी संस्था रवि महाजन के द्वारा। जिस समय आज से 30 साल पूर्व जब संस्था की स्थापना हुई थी, तो सदस्यों को मतलब लोन सुविधा, बीमा योजना, पेंशन योजना, एम्बुलेंस योजना जैसे कई लोग लुभावनी वादे किए गए थे सदस्यों के साथ में, और उनसे 1500-1500 रुपये लिए गए थे। बाद में इन लोगों ने 1500 से सदस्यता शुल्क 2500 बढ़ाया और पिछले 5-6 सालों के बाद में तो 5000 और 7000 तक सदस्यता शुल्क के पैसे वसूल करके इन्होंने करीब 30,000 से ज़्यादा सदस्यों को शामिल किया है इस योजना में और अरबों रुपए का इन्वेस्ट किया है। यह फाइनेंस कंपनी के नाम से चली है और फाइनेंस कंपनी के नाम से इन्होंने मतलब कुटुंब आश्रय योजना का नाम हटा करके फिर जीवन प्रकाश कर दिया। और अभी सुनने में आया है कि इन्होंने अपनी इसी संस्था का पीसी फाउंडेशन के नाम से एक और संस्था इस तरह बनाई है और इसका पैसा सारा इन्वेस्ट उस पीसी फाउंडेशन में कर दिया गया है। और 20 एकड़ जमीन जो खरीदी गई है वो सदस्यों के नाम भी यहाँ संस्था के नाम पर नहीं है, रवि महाजन की मदर श्रीमती गंगाबाई के नाम से खरीदी गई है। उसके कागजात भी मतलब RTI के जरिए मांगे जा रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। मगर अफसोस इस बात का होता है कि इस मामले में बजाय संस्था के अधिकृत वक्ताओं के द्वारा कोई अभी तक किसी भी बात का खंडन नहीं किया गया है। उनके जो एजेंट जो रहते हैं वही खंडन करते रहते हैं और सफाई देते रहते हैं। अभी तक संस्था के मुखिया और जो मुख्य लोग हैं वो आए नहीं है सामने। दूसरी बात, तकरीबन कितने का घोटाला होगा ये? करीबन 1 अरब से ऊपर का घोटाला है। और इन्होंने डाबरिया स्थित जो जमीन खरीदी है 20 एकड़, उसमें प्लाट लोग अपने सपनों का मंदिर के नाम से इन्होंने योजना चलाई थी कि कम पैसों में आपको आवास घर आवंटित किए जाएंगे। क्या मांगे आपकी? और हमारी मांगे यही है कि जो इन्होंने जो वादा किया था पेंशन, वृद्ध पेंशन योजना 60 साल की उम्र होने पर, वो इन्होंने उससे इनकार किया जा रहा है और यहाँ तक कि इसका रजिस्ट्रेशन ही एक तरह से गलत हुआ है। कोई किसी भी संस्था का पंजीयन होता है तो संस्था के
में जो के द्वारा अर्जित की गई कमाई और जो भी सदस्य शुल्क रहता है उसमें से लाभांश जो इंटरेस्ट कर मिलता है वो सभी को बांटा जाना चाहिए, मगर वो लाभांश देने के बजाय कुटुंब निधि के अंतर्गत इन्होंने मृत व्यक्तियों के नाम से 992 लोगों की लिस्ट बता रही है और 992 लोगों से 5-5 रुपये वसूल कर 5-5 रुपये लोगों से वसूल करके 992 लोगों को एक लाख रुपये देने की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? पूरन जायसवाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।